चलिए नमस्कार भाई साहब नमस्कार आप सभी को नमस्कार जय हिंद भारत माता की जय बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जितने भी लोग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सत्यादि शर्मा क्लासेस पर देख रहे हैं और जितने भी विद्यार्थी अः शर्मा क्लासेस एम पी पर देख रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोनों चैनल पर मौजूद विद्यार्थियों को नमस्कार और <laughs> आप दोनों ही तरफ के विद्यार्थियों को प्रश्न मिलने जा रहे हैं उनके उत्तर आप लगाएंगे उन चीजों को हम समझेंगे और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि समझने के लिए इतनी सारी चीजें हैं कि साधारणतः अगर आप सोचो कि एक पॉइंट आया और उसका उत्तर लगाया और सोचा कि हाँ हिसाब हो गया हमारा काम अब ये प्रश्न कभी दोबारा आएगा हम इसका उत्तर गलत नहीं करेंगे तो आपकी गलत है वो कहते हैं ना कि संविधान के अंतर्गत इतनी सारी चीजें हैं कि आप ढूंढते ढूंढते पागल हो जाओगे ठीक है ना तो पहले पेज पर आप देखेंगे क्या लिखा हुआ द द हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान आप आप लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसमें आज का बिंदु सभी लोगों को थमनेल पर दिखाई दे रहा होगा और वो बिंदु कौन सा है वो है मध्य प्रदेश की जनजातियां उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मध्य प्रदेश का आप जब सिलेबस पढ़ोगे ठीक है ना आप जब सिलेबस पढ़ोगे मध्य प्रदेश का तो सिलेबस के दौरान आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा मध्य प्रदेश की जनजातियों में उनकी संस्कृति उनकी विशेषताएं, उनका विस्तार उनका भौगोलिक क्षेत्र उनका भौगोलिक विस्तार भाषा बोली लिपि और उनके उनके लोक साहित्य, जनजातीय व्यक्तित्व ये सब पढ़ने हैं इसी क्रम में जब हम आगे चलते हैं तो आपको मैं बता दूं एम का मिशन 2024 जहां तहां छिड़ चुका है इसके लिए आप लोगों को याद रखिएगा प्री और इंटरव्यू का जो नया सिलेबस है अब तो जो भी परीक्षा देनी है हालांकि जिनने दो दो का प्री पास किया है उनका मेंस 2023 अर्थात पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा लेकिन अब जो भी प्री होगी या उसका जो भी मेंस होगा वो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा तो उस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट आपका सिलेबस जो होगा संपूर्ण पाठ्यक्रम वह टारगेट बेच स्टार्ट हुआ है ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन ऑफलाइन वाला जो बेच है वो थर्टी फाइव थाउजेंड में है और ऑनलाइन वाला बेच जो है वो फाइव थाउजेंड में है मतलब आप समझो कि आप पूरे इंदौर शहर में घूमिएगा आपको पीएससी का इससे कम प्राइस का बेच नहीं मिलेगा मिलेगा तो वो केवल पैसों में कम होगा लेकिन गुणवत्ताओं में अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं फिर आप लोगों को सत्याधिक याद आएगी ठीक है ना तो याद रखिएगा धन्यवाद आप लोगों को बता दूं एक फरवरी गुरुवार से प्रारंभ होने जा रहा है लेकिन कल है छब्बीस जनवरी इसलिए याद रखिएगा नवलखा सेंटर पर आप लोगों को ऑफलाइन बेच मिलेगा स्पेशल ऑफर आप लोगों को यहां पर जो दिखाई दे रहा है वो वन थाउजेंड का ऑफ है क्योंकि कल गणतंत्र दिवस है मैं शुरुआत करता हूं अपनी क्लास की आप लोगों को देता हूं ठीक है ना सर मूड तो ऑफलाइन पढ़ने का है लेकिन घर वाले आने नहीं देते हैं घर वालों को पता चल गया ना कि तुम, तुम तो से से अच्छा घर वाले मजबूर हो जाए भेजने को जा यार, तो जाए तो और काबिल है चलो प्रारंभ करता हूं पहला प्रश्न देता हूं आज का चलिएगा प्रश्न आप लोगों के सामने है प्रश्न नंबर एक है संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति वर्ग अर्थात एसटी कैटेगरी के लिए नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था है बताइएगा संविधान के किस अनुच्छेद में क्योंकि ये आपके एमपीपीएससी के सिलेबस में यूनिट नंबर टेन में स्पष्ट रूप से दिया है कि संवैधानिक व्यवस्था वो भी आदिवासियों के लिए बताइएगा तो संविधान की व्यवस्था क्या की गई है आर्टिकल सिक्सटीन क्लोज है वन आर्टिकल आर्टिकल सिक्सटीन क्लोज टू आर्टिकल सिक्सटीन क्लोज थ्री आर्टिकल सिक्सटीन क्लोज फोर बताइएगा सोलह एक सोलह दो सोलह तीन सोलह चार किसमें दिया गया है ये आप लोगों को बताना है <laughs> ठीक है याद रखिएगा सबने लगा दिया वेरी गुड शाबाश आप सभी विद्यार्थियों ने बिल्कुल सही उत्तर लगाया है आप सभी विद्यार्थियों ने बहुत सही उत्तर लगाया है आप सभी का मुझे लग रहा है लगभग लगभग आंसर सभी का सही है सभी सही जा रहे हैं इधर देखिएगा विकल्प नंबर जो डी है आपका विकल्प नंबर जो डी है ऑप्शन नंबर जो डी है सिक्सटीन फोर जी हाँ बिल्कुल सही आप जा रहे हैं अनुच्छेद सोला चार जो है वह आप लोगों का सही उत्तर होगा अनुच्छेद सोला चार जो होगा वह आपका सही उत्तर होगा वह आपका सही उत्तर होगा ठीक है ना ठीक है ना अब देखिएगा अनुच्छेद सोलह में क्या है अनुच्छेद सोलह में क्या दिया गया है से सुनिएगा अनुच्छेद सोलह में क्या दिया गया अनुच्छेद है? तो के के तो अनुच्छे करते हैं तो आपको आते 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 सोलह में जाकर पता चलता है कि यहां पर लोक नियोजन में समानता का अधिकार देता है जो कि एक मौलिक अधिकार है ठीक है ना अवसर की समानता देता है ठीक है ना पब्लिक जो एम्प्लॉयमेंट होता है उसमें इक्वलिटी की बात करता है इसे कहा जाता है लोक नियोजन में लोक नियोजन में लोक नियोजन में याद रखिएगा लोक नियोजन में लोक नियोजन में समानता का अवसर लोक नियोजन में समानता का अवसर प्रदान करता है लोक नियोजन में समानता का अवसर प्रदान करता है अवसर प्रदान करता है आर्टिकल 16 फिर आर्टिकल 16 में याद रखिएगा आर्टिकल 16 क्लोज वन आर्टिकल 16 क्लोज टू आर्टिकल 16 क्लोज थ्री आर्टिकल 16 क्लोज फोर आर्टिकल 16 क्लोज फाइव ये सब इसके अंतर्गत होते हैं फिर इसके अंतर्गत और जाएंगे तो सोलह के अंतर्गत जाएगा अनुच्छेद सोलह चार क अनुच्छेद सोलह चार ख अनुच्छेद सोलह चार ग ऐसे अलग अलग भाग भी है अर्थात आप लोगों को यहां पर आरक्षण की बात सिक्सटीन फोर में की गई है आपको मैं बता दूं 164 फोर में केवल अनुसूचित जनजाति ही नहीं मतलब कि केवल और केवल एस वर्ग के लिए नहीं याद रखिएगा ठीक है ना राज्य के पिछड़े प्रतिनिधित्व के रूप में चर्चा की गई है यहां तक क्लियर होगा आप लोगों को मतलब बहुत सरल सरल मैं तो बहुत ऊपरी तौर पर बता रहा हूं ये तो बहुत सरल चीज है जो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए तो आप लोगों के लिए पहला प्रश्न जो था उसका उत्तर आप लोगों ने लगाया और लगभग लगभग सभी उत्तर सही निकले सभी बच्चों के उत्तर सही निकले हैं ठीक है ठीके? यहां से आगे बढ़ जाए राजा भैया नेक्स्ट पर चलिएगा ये स्क्रीन आप लोगों को अर्थात ये पूरी पी डी शर्मा क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन पर भी मिलेगी फ्री में और ये आपको सत्याधि के टेलीग्राम चैनल पर भी मिलेगी अच्छा सिलेबस में देखोगे तो पता चलेगा कि आप से पूछा गया है मध्य प्रदेश की जनजातियों या फिर सीधा कहूं तो जनजातियों के विषय में कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान है वो पढ़ना है और वही मैं पढ़ा रहा हूं चलिएगा विकल्प नंबर प्रश्न नंबर दो पर आते हैं प्रश्न नंबर क्या आता है राज्य राज्य के निदेशक के राज के नीति नीति निदेशक निदेशक तत्वों अंतर्गत नोट निदेशक नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग अज, जा कल हमने यही बताया था अनुसूचित जनजाति इसका मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब अर्थात एस मतलब आदिवासी वर्ग ठीक है ना क्या लिखा हुआ है राज्य के नीति के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग ठीक है ना अर्थोपाय का मतलब होता है अर्थ धन उपाय अर्थोपाय का मतलब होता है अर्थ अर्थ धन उपाय अर्थ योग उपाय उनकी आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में अर्थोपाय संबंधी हितों की अभिवृद्धि का प्रयास किया गया है थोड़ा सा समझो आपको अगर भाषा कठिन लग रही है तो उसको सरल करो क्या कह रहा है ठीक है चलो बताओ जल्दी से प्रश्न नंबर क्या आया आप लोगों को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में अनुसूचित जनजाति के अर्थोपाय अनुसूचित जनजाति के अर्थोपाय के संबंध में कौन से प्रयास किए गए हैं कौन से प्रयास किए गए हैं बताइए जल्दी से सरल है एक भी विद्यार्थी नहीं कहेगा कि बनने वाली चीज़ नहीं है लिखा बहुत बढ़िया लिखा अब देखिएगा आपका संविधान होता है ना तो संविधान में अगर आप जब आगे बढ़ेंगे तो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स के बाद में संविधान का आपको भाग नंबर चार मिलेगा पार्ट नंबर फोर मिलेगा भाग नंबर चार मिला तो क्या कह रहा है कि संविधान के भाग नंबर चार में आर्टिकल की अगर मैं बात करूं अनुच्छेद की मैं बात करूं तो अनुच्छेद थर्टी सिक्स टू फिफ्टी वन छत्तीस से लेकर इक्कावन तो तक आप लोगों को क्या मिलेंगे, मिलेंगे नीति निदेशक, 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 निदेशक तत्व उन बातों को या फिर उन चीजों को नीति निदेशक तत्व या उन नियमों को नीति निदेशक तत्व कहा जाता है कि यदि इनका पालन कर लिया जाए तो एक सुगठित और बहुत अच्छी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होगा मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई चीज आपके सामने रख दी गई है और आपसे कहा जाए कि भाई साहब आप इसका सेवन कीजिए और किस तो तो से 51 तक, कहा गया कि ये जो बात लिखी है इनका पालन कर बोले हम नहीं करेंगे। तुम नहीं करोगे तो कचरे के ढेर के समान हो जाओगे बोले हाँ इनका पालन करेंगे नीति निदेशक तत्व वे विधा होती है वह बात होती है कि जिनका पालन यदि लोगों के द्वारा सरकार के द्वारा कर लिया जाए तो एक अच्छी सामाजिक व्यवस्था बनेगी इसी नीति निदेशक तत्वों को जब हम आगे चलते हैं तो आगे आता है आर्टिकल नंबर फोर्टी सिक्स अनुच्छेद नंबर छियालीस आता है अनुच्छेद नंबर कौन सा आता है राजा भैया अनुच्छेद नंबर छियालीस आता है ठीक है ना <coughs> ठीक है अनुच्छेद नंबर छियालीस क्या कहता है कि एस वर्ग हो और ऐसी वर्ग हो या फिर कह सकते हैं दुर्बल वर्ग हो ध्यान से सुनिएगा संविधान की एक एक शब्द को पकड़कर उसके अर्थ को समझना आसान नहीं है वो कह रहा है अनुच्छेद के के अनुसार भारत के संविधान में नीति निदेशक तत्व में लिखा है कि अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति और दुर्बल वर्ग के शिक्षा एवं उनके अर्थ अर्थ मतलब होता है अर्थव्यवस्था मतलब धन के हितों की रक्षा करना के हितों की रक्षा करना शिक्षा व धन के हितों की रक्षा करना या कह सकता हूं उसे और मजबूती प्रदान करना अब में तो आदिवासी आ गए एस में तो आपके हरिजन आ गए लेकिन दुर्बल वर्ग में कौन आएगा वे महिलाएं जो आर्थिक रूप से कमजोर है वे महिलाएं जो कम पढ़ी लिखी है वे महिलाएं जो पैसा नहीं कमा रही है वे महिलाएं जो पूरी तरीके से पुरुषों पर आश्रित है वो दुर्बल वर्ग आता है सोचो और बहुत एक लॉजिकली बात बताता हूं कि शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव से पहले लाडली बहना योजना शुरू की और लाडली बहना योजना में करोड़ों रुपए बांट दिए लाडली बहना योजना यदि संविधान विरोधी होती कानून विरोधी होती तो विपक्ष को क्या सांप सूं गया था क्या वो उसके जाकर अड़ंगा नहीं लगा सकती थी कि नहीं नहीं, 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 नहीं ये देखो खुलेआम रिश्वत दे रहे पिछले मुख्यमंत्री जी ने या कहूं कि वर्तमान में जो सरकार है उसी सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने एक योजना चलाई उसका नाम था लाडली बहना योजना खुले आम पैसे बटे तुम्हारे खाते में 1200 1200 हर महीने आएंगे साढ़े बारह आएंगे फिर तीन हजार आएंगे और महिलाओं ने उसको भारी भरकम वोटों से जिताया क्यों विपक्ष ये लेकर खड़ा नहीं हो गया मुद्दा कि तुमने सरेआम रिश्वत दी है तुम ऐसे पैसे कैसे दे सकते हो अब पता है बात कहां जाती है अब संवैधानिक समझो पिछड़े वर्ग एससी वर्ग एस वर्ग और दुर्बल वर्ग अब दुर्बल वर्ग में कौन आ गई महिला और महिला में कौन जो आर्थिक रूप से कमजोर है जो कमा नहीं पा रही है उनको सरकार आर्थिक रूप से सहायता करेगी कर दी कर दी सहायता ये देखो तो याद रखिएगा नीति निदेशक तत्व वे होते हैं जब उनका यदि सही से प्रयोग कर लिया जाए तो एक सामाजिक व्यवस्था अच्छी बन जाती है तो आप लोगों को जो लिखा गया है ना राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के अर्थोपाय अर्थात उनके धन के उपाय संबंधी हितों की अभिवृद्धि का प्रयास किया गया है आर्टिकल फोर्टी सिक्स में अनुच्छेद छियालीस में किया गया है किस में किया गया राजा भैया अनुच्छेद छियालीस के अंतर्गत किया गया है अनुच्छेद छियालीस के अंतर्गत किया गया है चले राजा भैया अगला देखें चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा स्क्रीनशॉट ले लिया है आप लोगों को पीडीएफ के रूप में मिलेगा सत्याधीश शर्मा क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए नमस्कार बाबू भाई नेक्स्ट पर आइएगा अगला प्रश्न देखिएगा प्रश्न नंबर तीन क्या कहता है प्रश्न नंबर तीन कहता है कि किस राज्य में पृथक अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्रालय की पृथक अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्रालय एस वेलफेयर मिनिस्ट्री कल्याण का मतलब होता है वेलफेयर तो इसे कहते हैं शेड्यूल ट्राइब्स वेलफेयर मिनिस्ट्री की व्यवस्था नहीं की गई है वो पूछना चाह रहा है कि कौन सा राज्य है जिसमें पृथक अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्रालय की व्यवस्था नहीं की गई है बत, बताइए मतलब यह है बहुत बढ़िया मीनू राठौर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो आपके उसमें भी मध्य प्रदेश की जनजातियां उनकी संस्कृति अर्थात उनके कल्चर को लेकर आपको भी एक बिंदु दिया गया है आप भी अच्छे से पढ़ें यही आपके काम में चीज आएगी ठीक है ना अलग से कुछ नहीं है चलिएगा ऑप्शन है आप लोगों के सामने मध्य प्रदेश उड़ीसा छत्तीसगढ़ और मणिपुर वो क्या कह रहा है कि चार में से एक राज्य ऐसा है जहां पर अनुसूचित जनजाति अर्थात आदिवासी कल्याण मंत्रालय नहीं बनाया जाता है अर्थात उसकी एक वेलफेयर मिनिस्ट्री नहीं बनती है तो आप चूंकि जानते हैं कि ये सभी राज्य आदिवासी वाले राज्य है लेकिन याद रखिएगा इनमें से मणिपुर एक ऐसा राज्य है जहां पर अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्रालय नहीं बनाया गया है चार राज्य ऐसे हैं एक है मध्य प्रदेश दो है उड़ीसा वाला तीसरा है छत्तीसगढ़ और चौथा है आपका झारखंड ये चार ऐसे राज्य हैं जहां पर सरकार द्वारा अलग से एक मंत्रालय बनाया जाता है जिसे कहा जाता है अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्रालय अब चूंकि आप लोगों को याद होना चाहिए कि अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्रालय चार बनता है तो सर मणिपुर वगैरह का उल्लेख कहां पर किया गया है हमेशा याद रखिएगा आपको दो अनुसूची पढ़ने को मिलेगी अनुसूची नंबर 5 अनुसूची नंबर 6 भारतीय संविधान में जैसे आप भाग देख रहे हैं अनुच्छेद देख रहे हैं वैसे ही आपको अनुसूची देखनी होगी अनुसूची नंबर पांच में कौन से राज्य शामिल है कौन से राज्य शामिल नहीं है ठीक है ना ठीक है नेक्स्ट पर बड़े भाई साहब तो भैया मणिपुर में नहीं होगा मणिपुर में लोगों ने क्या सोचा होगा कि मणिपुर में इतनी हिंसा चल रही है और वो हिंसा भी केवल आदिवासियों के बीच में चल रही है ठीक है ना बहुत बढ़िया नेक्स्ट पर चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा प्रश्न नंबर चार आता है प्रश्न नंबर चार उससे पहले आप लोगों को ये सूचना दे दूं कि ये वाला जो बिंदु चल रहा है ये आपके सामने जो चल रहा है इसका एक बहुत शानदार विशेष आप लोगों के सामने ऑफर सोचो और विचार करो यूनिट नंबर टेन जो आपको आठ से दस नंबर देगी पीएससी में यूनिट नंबर टेन जो मध्य प्रदेश की पूरी जनजातियों को पढ़ने में सहायता देगी वो कहाँ रहते हैं किस तरह से रहते हैं उनकी कदकाठी कैसी है उनकी विरासतें कौन सी है वो बोली कौन सी बोलते हैं वो भाषा कौन सी बोलते हैं वो खान पीन कौन सा रखते हैं उनकी खेती कैसी होती है वो कौन सी दिशा में निवास करते हैं वो कौन कौन से राज्यों में निवास करते हैं उनके लोक साहित्य कौन कौन से है उनके संविधान में क्या अधिकार है आदिवासियों को पता है जो भी नेता आकर उनको मोटिवेट करता है उनको फालतू बात करना ही नहीं चाहिए एक भी आदिवासी नेता को किसी भी विद्यार्थी से या किसी भी आदिवासी जनता से ये फालतू बात करनी नहीं चाहिए कि ऐसा करना वैसा करना उसको खुद को बहुत अच्छे से संविधान पढ़ना चाहिए संविधान में आदिवासियों को जो अधिकार प्राप्त है उन अधिकारों को घर घर जाकर समझाना चाहिए कोई महिला यदि आदिवासी समाज में पढ़ी लिखी नहीं है तो क्या जरूरी है कि उसको संविधान समझने के लिए या कुछ पांच पच्चीस बातों को समझने के लिए उसको पहले पढ़ना चाहिए उसके कानों में आवाज डालो कि संविधान में ऐसे ऐसे शब्द लिखे हैं महिला जी माता जी इसका मतलब यह है, है भगिनी इसका मतलब ये होता है भैया हम तो वहां गए थे और हमें सरकार ने ऐसा बोल दिया वहां से हमें ऐसा भगा दिया बहना माता तुम्हारे लिए अधिकार है तुम डर गई तुम पढ़ी नहीं हो इसलिए तुम्हें पता नहीं है ये सिखाना चाहिए ये सब तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा ये तो सब तो, मैं तो मैं सिखा दूंगा केवल टू नाइनटी नाइन नाएं में शिक्षा मुफ्त में नहीं मिलती है और मिलनी भी नहीं चाहिए वरना यह मुफ्त में भी हो जाती पूरा डिटेल में जो एक एक लाइन है वो आपको मिलेगा सत्याधीश शर्मा क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन पर ये, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं अभी जाओगे एक टी शर्ट मिलेगी जिसको लोग बहुत सस्ती टी शर्ट कहते हैं चड्डा मिलेगा एक इतने में जूते नहीं आते इतने में आएंगे तो बदबू मारने वाले आएंगे उसमें तुम्हारे जीवन को बनाने वाली चीजें देने के लिए हम तत्पर हैं पूरी यूनिट नंबर टेन प्रदेश की जनजाति विरासत लोक साहित्य जो नया सिलेबस में आया है आयोग कितना बड़ा होता था उस आयोग के बराबर यह है उसको मैं पढ़ाऊंगा सत्यदेव शर्मा के मोबाइल एप्लीकेशन पर आज ही डाउनलोड कर लीजिएगा ठीक है ना वही वही कहा मैंने विनीता ये वही रहेगा डिटेल पूरा रहेगा इसमें ठीक है मैं भी आपको एमसीक्यू लगवा रहा हूं चले आगे बढ़े चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सी अनुसूची अनुसूचित तथा जनजाति अर्थात एससी और एस क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंधित करती है या उपबंधित करती है याद रखिएगा के संबंध में उपबंधित करती है तो बताइएगा कौन सी अनुसूची है पांच सात चार या नो पांच सात चार या नो पांच सात चार या नौ बताइएगा कौन सी अनुसूची अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंधित करती है क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में अनुबंधित करती है बताओ जल्दी से ठीक है अब ध्यान से सुनिएगा अनुसूची नंबर पांच इसमें आपको याद रखना है असम असम मेघालय देखो देखो अनुसूची नंबर पांच क्या कहती है इधर देखिएगा ठीक है ना असम मेघालय मिजोरम मिजोरम और त्रिपुरा इन चार राज्यों को छोड़ दिया जाए अगर इन चार राज्यों को छोड़ दिया जाए इन चार राज्यों को छोड़कर ये सारी की सारी जनजातियां वाले राज्य ऐसे राज्य जहां एस टी कैटेगरी निवास करती है जहां पर आदिवासी लोग निवास करते हैं लेकिन भारत के चार राज्यों को छोड़ दो असम मेघालय मिजोरम और मणिपुर सॉरी त्रिपुरा इन चार राज्यों को छोड़कर बाकी अन्य सभी जनजाति राज्यों के क्षेत्रों के संबंध में प्रावधान आपके अनुसूची नंबर पांच में किया जाता है इस कारण से आंसर इसका अनुसूची नंबर पांच विकल्प नंबर ए होगा डिटेल अभी इसकी बहुत बाकी है डिटेल अभी इसकी बहुत बाकी है याद रखिएगा बिल्कुल सर वैसे तो अनुसूची नंबर पांच और छह दोनों लेकिन विकल्प यहां पर पांच ही है छे नहीं दिया है तो उत्तर पांच होगा वेरी गुड आप समझ गए अच्छी बात है चलिएगा हो गया सरल था आसान था आसान पढ़ चुके हैं पहले लेकिन इनकी डिटेल आप लोगों को और ज्यादा मिलेगी तब काम होगा संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था करता है मेरा कहने का मतलब यह है कि आप लोगों को एस कैटेगरी को विधानसभा में विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था कौन सा आर्टिकल करेगा 330 332, 334 338 कौन सा आर्टिकल करता है जल्दी से बताइएगा ठीक है ना और 338 को खाली मत लिखो 338 ए लिखो क्या लिखो 338 ए 338 ए लिखो जल्दी से बताओ कौन सा करेगा ठीक है चलिएगा थोड़ा सा इधर ध्यान देंगे हम तो हमें एक चीज और देखना होगा इधर देखिएगा राजा भैया होता क्या है होता क्या है देश में होती है संसद देश में क्या होती है संसद देश में होती है संसद ठीक है ना और संसद का सबसे बड़ा सदन होता है राज्यसभा संसद का सबसे बड़ा सदन होता है राज्यसभा हालांकि बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे से पता है लेकिन मेरा काम है व्यवस्थित ढंग से पढ़ाना मैं वो करूंगा दूसरा सदन होता है जिससे निम्न सदन कहते हैं लेकिन प्रमुख सदन होता है जिसका नाम होता है लोकसभा ये दोनों मिलकर देश में कानून निर्माण को संभालते हैं ऐसे ही किसी भी राज्य में होता है विधानमंडल क्या होता है विधानमंडल और इसी विधानमंडल को क्या कहते हैं विधायिका इस विधानमंडल में भी कानून निर्माण के लिए यहां पर मौजूद होता है वो होता है विधान परिषद क्या होता है राजा भैया विधान परिषद ठीक है ना विधान परिषद असेंबली ये जो होती है ना विधान परिषद ठीक है ना ठीक है ना लेजिस्लेटिव काउंसिल की मैं बात कर रहा हूं और यहां पर होता है विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा दो चीजें होगी विधानसभा और विधान परिषद ठीक है अब ध्यान से सुनेंगे तो आप समझ में आता है कि विधानसभा और लोकसभा ये दो जो होते हैं इनमें प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं तो इन प्रत्यक्ष चुनाव में जो विधायक और सांसद चुनकर जाते हैं उनमें कुछ विधायक और कुछ सांसद एस और एस कैटेगरी के, के रहते हैं यहां पर हम मैं बात करूं तो विधानसभा में जैसे कि मैं बात करता हूं मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में टोटल विधानसभा अर्थात विधायकों की संख्या है 230 कितनी है इस 230 में से तय है कि आपको 82 टू बयासी विधायक आरक्षित करने होंगे 82 विधायों को पर आरक्षण या 82 विधानसभा सीटें एमएलए सीट आरक्षित है इस 82 में से एस को रिजर्वेशन है और एस को रिजर्वेशन है अब एस को जो रिजर्वेशन है वो टोटल 47 सीटों पर है और एस को रिजर्वेशन जो है वो थर्टी फाइव सीट पर है ऐसे मिलाकर एट्टी टू रिजर्वेश रिजर्व रिजर्व सीट है जहां पर दो सौ तीस में से मतलब आज जब हमारे मध्य प्रदेश में नई सरकार बनी है तो सैतालीस विधायक फोर्टी सेवन एम जो है वो आदिवासी हैं और थर्टी फाइव एम जो है वो एस कैटेगरी से शेड्यूल कास्ट से है ताकि ये अपनी जनता अपने समाज अपने समुदाय के अधिकार की बात करें उनका पक्ष रख सकें वो बात अलग है कि ये राजनीति में आने के बाद में भूल जाते हैं कि हमारा एक समाज है हम उसी समाज से आए हैं हमारा समाज बहुत गरीब है बहुत पिछड़ा हुआ है उसकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है उसकी शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा नहीं है हम तो बड़े नेता बन गए और हमें सारी सुविधाएं मिलेंगी भत्ता मिलेगा पेंशन मिलेगी लेकिन हमारे समाज को नहीं मिलेगा इस कारण से आप लोकसभा में देखेंगे तो लोकसभा में मध्य प्रदेश में 29 सांसद हम चुनकर भेजते हैं इस 29 में से हम दस को रिजर्व करते हैं और दस सीटें जो होती है वो आरक्षित होती है आरक्षित रिजर्व सीट्स में आप देखेंगे एस को रिजर्वेशन होता है और एस को रिजर्वेशन होता है एस को छ में रिजर्वेशन होता है एस को चार में रिजर्वेशन होता है याद रखना मेरे विदुषो भाई साहब विदुषी महिलाएं है, बैठी विद्वान है, जन बैठे हैं राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं होता है और याद रखिएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिजर्वेशन नहीं होता है विधान परिषद विधान राज्यसभा में रिजर्वेशन इसलिए नहीं होता है क्योंकि अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा बने अब सवाल निकालकर यही का यही चीज कहां पर आता है वो ध्यान से सुनिएगा सवाल निकल कर ये आता है कि आप देखें तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था करता है आरक्षण कितना होगा वो यहां लिखा हुआ है ये यह लिखा हुआ है। लेकिन यह सुविधा आदिवासियों को अनुसूचित जनजातियों को मिलेगी ये कहां पर लिखा हुआ है वो ये पूछ रहा है कि आपको आर्टिकल बताना है कि किस आर्टिकल में मिलेगा तो हमेशा याद रखिएगा अनुच्छेद 332 कौन सा होगा आर्टिकल 332 अब चूंकि सवाल को ठीक से पढ़ोगे तो उत्तर निकल कर आएगा ठीक है ना इधर देखिएगा अनुच्छेद 332 क्यों उसने कहा विधानसभा में विधानसभा में किसी राज्य का अर्थात इससे जो व्यक्ति चुनकर आता है वो एमएलए बनता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अर्थात की विधायक और विधानसभा की सुविधा होगी अनुच्छेद 332 में तो अनुच्छेद 332 में मिलता है विधानसभा में आरक्षण अनुच्छेद 332 में मिलता है आदिवासियों को विधानसभा में आरक्षण अनुच्छेद 330 भी कम नहीं है अनुच्छेद 330 देता है लोकसभा में आरक्षण लोकसभा में आरक्षण अनुच्छेद 330 देता है लोकसभा में आरक्षण यहां तक क्लियर हो आप लोगों को ठीक है ना और ये वाला जो देता है ना ये देता है अनुच्छेद देता है क्या कह रहा है पृथक मतलब अलग से पृथक जनजातीय आयोग पृथक जनजातीय आयोग पृथक ट्राइब्स कमीशन की डिमांड कौन करता है तो वो आर्टिकल 338 करता है कौन सा करता है राजा भैया थ्री थ्री एट करता है और तीन सौ चौतीस क्या बताता है तीन सौ चौतीस बताता है आरक्षण की अवधि 334 क्या बताता है आरक्षण की अवधि आप लोगों को समझना होगा कि जो उन्होंने यूनिट नंबर 10 से हटाए हैं आयोग उसकी जगह जो आप लोगों को एसटी एससी कैटेगरी या एसटी दिया है वो हलवा नहीं दिया है किसी भी समाज को समझ पाना चुटकियों का खेल नहीं है वो भी जब पहली बार आया हो ठीक है ना तो याद रखिएगा ये सारी चीजें आप लोगों के लिए संवैधानिक है तो समझ गए आप लो? विधान 332, लोग? विधानसभा में आरक्षण 332, लोकसभा में सीटों का आरक्षण 330, विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण कितने समय तक रहेगा जैसे कि किसी ने कहा था 2026 तक रहेगा 2030 तक रहेगा तो ये अवधि की बात तीन में आदिवासियों के लिए एक अलग से जनजाति आयोग होगा आर्टिकल 338 के क्लोज ए में आप सोच रहे होंगे 30 लिखा 32 लिखा 34 लिखा 33 कहां गया आर्टिकल 333 ये अनुच्छेद जो है ना वो निरसित कर दिया गया समाप्त कर दिया गया अनुच्छेद 333 को एक सौ चारवे संविधान संशोधन अधिनियम एक सौ चारवा संविधान संशोधन अधिनियम एक सौ चारवा संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसे हटा दिया गया इसे हटा दिया गया क्या कहा गया इसमें इसमें एक आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन की व्यवस्था थी जब अंग्रेज हमारे को हम हम लोगों को भारत देश देकर गए तो यू कहते हैं कि एक अंग्रेज रखना जो किसी अंग्रेज की औलाद हो मैं आपको अपने शब्दों में बता रहा हूं ऐसे शब्द नहीं लिखे जाते हैं ठीक है ना याद रखिएगा अंग्रेज कहकर गए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे आपके भारतीय संविधान की और जिन जिन देशों से आपने संविधान के कुछ भाग लिए हैं जैसे नीति निर्देशक तत्व तो हमने आयरलैंड से लिए तो उसके भी संविधान का जिसको ज्ञान होगा ऐसा एक अंग्रेज व्यक्ति हम आपको देख के जाएंगे तो जब भी आप अपने विधायकों और सांसदों को चुन लो तो एक एक व्यक्ति जरूर अपने साथ रखना है तुमको संविधान सिखाएगा ये मैं अपनी भाषा में समझा रहा हूं मोदी जी ने कहा दो में मित्रों वह बात सन उन्नीस की है संविधान लागू होने 1950 की है मित्रों आज 2019 है बताइए आज अंग्रेजों की जरूरत है कि नहीं है नहीं है क्या हम लोगों को संविधान की जानकारी नहीं है? है तो मित्रों इनको हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए हटाना चाहिए क्या इस क्षेत्र को निरसित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए बोले साफ़ करना चाहिए क्या इसके लिए संविधान संशोधन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए मित्रों करना चाहिए ले कर दिया हटा दिया अब मत आना रे गोरे लोगो हमारे भारत की खूब है खूब संविधान चला लेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए इन चीजों को प्यार से समझो अपने तरीके से समझो किताबी भाषा से बाहर निकलकर समझो कुमकुम जैन सर जी मेरा प्री हो गया है 81 मार्क्स थे बहुत बढ़िया कुमकुम जैन आप जैन हो बनिया हो जनरल हो 81 वन बॉयज का कट ऑफ गया और आप 81 लेकर आई थी मैं आपके पेड बेज एप्लीकेशन की स्टूडेंट हूँ सर आप बेस्ट हैं मुझे मेंस की गाइडेंस चाहिए सर आपसे बात हो सकती है कि अरे बिल्कुल कुमकुम -कुम, देखो जिस तरह से हमने आप लोगों को गाइड किया था प्री के बेच के टाइम पर उसी तरीके से एक वेबिनार और रखेंगे उसमें आप फिर जुड़िएगा और आप फिर से बात कीजिएगा बहुत अच्छी पढ़ती थी तुम बेस्ट ऑफ लक बेटा कुमकुम देखो ऐसे कितना खुशी होता है वो सिलेक्ट हो गई है अब मेंस का तैयारी करेगी वेरी गुड बेस्ट ऑफ लक होगी बात आपसे हो जाएगी है ना पेट बेच के स्टूडेंट हो तो ये सब समझ में आ गया चलो इसका स्क्रीन शॉट लेकर ये पीडीएफ मिलेगी लेगी के टेलीग्राम पर और सत्यादि के एप्लीकेशन पर चलो भाई मेरे ठीक है ना आगे बढ़ जाते हैं इधर देखिएगा ये तो हो गया ना अगले प्रश्न की ओर बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अनुसूचित जनजाति को परिभाषित किया गया है हाय 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 क्या प्रश्न है अनुसूचित जनजाति को परिभाषित किया गया है कौन से आर्टिकल में किया गया है बताइएगा अनुसूचित जनजाति को परिभाषित कौन, पर कौन से आर्टिकल में किया गया है जल्दी से बताइएगा अनुसूचित जनजाति को परिभाषित कौन से आर्टिकल में किया गया डेफिनेशन पर मिलेगी? अनुसूचित जनजाति को परिभाषित कौन से आर्टिकल में किया गया है जल्दी से बताइएगा टू फोर्टी फोर टू टू थ्री तीन सौ छाछ तीन थ्री सिक्सटी सिक्स क्लोज कहा दिया अरे सब एक जैसा कर दिया क्या देखो एक काम करो ऐसा करो एक काम करो हम जो हम जो लिख रहे हैं वो देखो इधर है ना हम जो लिख रहे हैं वो देखो आप आप देखो दो सौ चौवालीस सब क्लोज टू ठीक है ना इधर देखिएगा यहां पर लिखिएगा आप तीन सौ छाछठ सब क्लोज ट्वेंटी फोर यहां पर लिखिएगा तीन सौ छाछ सब क्लोज ट्वेंटी फाइव और दो सब चौवालीस वन बताओ अब बताइएगा थोड़ा सा गलती हो गया था लिखने में हम आपको बता दें कि विकल्प जो होंगे वो किस तरह से होंगे और हमें अच्छे से लिख देते हैं यहां पर ये पूरा जो गलत है उसको यहां से हम रब कर देते हैं इसे थोड़ा सा हटा देते हैं अब जो हम लिख रहे हैं वो देखिएगा अनुच्छेद तीन सौ का भाग चौबीस अनुच्छेद तीन का भाग 25 और बाकी जो विकल्प ए और डी लिखे हैं वो सही है अब बताइएगा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था लिखने में लेकिन अब आप, आप देखो जल्दी से बताओ लिखा देखो सब ठीक था सी लगा दिया अब देखिएगा ध्यान से प्रश्न क्या कह रहा है उसको ध्यान से हमें समझना होगा ठीक है ना जो प्रश्न कह रहा है उसे हमें समझना होगा इधर देखिएगा अनुसूचित जनजाति को परिभाषित किया गया है कौन आदिवासी होगा यह कहां लिखा हुआ है मेरे भाई मेरे बहन हाँ पूरा, पूरा यूनिट टेन है पूरा नहीं विनीता जी यूनिट टेन पूरी है यूनिट टेन पूरी आठ सदस्य नंबर पूरा है वो ये कह रहा है ध्यान से सुनिएगा जो आपका भारतीय संविधान है आपको एक चीज हमेशा याद रखना है, जो आपका भारतीय संविधान है, है भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद है जिसका नाम है थ्री सिक्सटी अनुच्छेद तीन ठीक है ना छाछ छे और छे छे और छे थ्री सिक्स सिक्स थ्री का दुगना सिक्स और सिक्स को दो बार लिख दो दुगना लिख दो थ्री का डबल होता है सिक्स और उसको दुगना लिख दो थ्री सिक्सटी सिक्स में संविधान में यह अनुच्छेद परिभाषा के लिए प्रसिद्ध है किसके लिए जाना जाता है परिभाषा डेफिनेशन के लिए अनुच्छेद तीन सौ में परिभाषाएं मिलेंगी फलानी चीज की परिभाषा संविधान में कहा अनुच्छेद तीन सौ छाछठ में और फलाने व्यक्ति की परिभाषा कहा अनुच्छेद तीन सौ छाछठ में हमें ऐसा काम करना है संविधान में ऐसा इसकी परिभाषा कहाँ लिखी है तीन में आदिवासियों के लिए परिभाषा कहाँ लिखी तीन में एससी सी के लिए परिभाषा कहाँ लिखी तीन में किसी भी चीज की परिभाषा कहाँ लिखी बोले तीन में अब तीन में चूंकि बहुत सारी परिभाषा लिखी तो तीन की बात करते हैं तो तीन सौ में परिभाषा लिखी तो एक में अलग लिखा दो में अलग लिखा तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेवीस चौबीस चौबीस में जैसे आया तो इसमें बताया कि कौन एस होगा मतलब कि कौन हरिजन होगा कौन शेड्यूल कास्ट होगा बोले हां साहब ये तो समझ में आ गया एससी की परिभाषा हो गई सर आपने तो हमसे एसटी पूछा है एक कदम और आगे बढ़े 325 सॉरी तीन का 25 आया इसमें बताया कि कौन आदिवासी होगा कौन आदिवासी हो सकते हैं वो जो समाज की मुख्य धारा से कटे हुए हैं वो जिनकी आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है वो जो वन क्षेत्रों में निवास करते हैं वो जो बहुत पुराने समय से हैं लेकिन अभी भी पिछड़े हुए हैं वो जो स्वास्थ्य सुविधाओं से दूर हैं वो जो शिक्षाओं से दूर है वो जो पोषक अनाजों से दूर है वो जो विकास क्षेत्र से शहर की चकाचोन से अभी भी पिछड़े हुए हैं वो जो दुर्गम मार्गों में निवास करते हैं दुर्गम क्षेत्रों में निवास करते हैं ऐसे लोग आदिवासी होंगे ऐसा बताया है कि आदिवासी कौन होंगे तो आदिवासी कौन होंगे यह परिभाषा आर्टिकल 366 के सब क्लोज 25 क्लोज फाइव में लिखी है यह हो गया अब एक मेरा सवाल है कि ये तो ये लिखा हुआ है कि आदिवासी कौन होगा इसकी परिभाषा दी गई है इसकी परिभाषा दी गई है लेकिन कौन सा क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र होगा यह कहां लिखा है तो प्रश्न अलग अलग है कौन सा कौन आदिवासी होगा ये परिभाषा कौन से आर्टिकल में दी तो ये आर्टिकल नंबर आपके 366 सिक्सटी 25 ट्वेंटी में दी है अगर ये पूछ ले कि कौन एससी होगा अनुसूचित जाति होगा इसकी परिभाषा तो 366 और क्लॉस 24 में दी है लेकिन अगर ये पूछ ले कि कौन सा क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र होगा हमें ये आदिवासी क्षेत्र इसे घोषित करना है तो ये कौन करेगा तो याद रखिएगा संबंधित राज्य में जो बनाया गया है मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल उससे जानकारी जुटाएगा राज्यपाल और उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से देश का सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति किसी भी स्टेट के गवर्नर से जानकारी लेगा और उस स्टेट के उस क्षेत्र को आदिवासी बहुल घोषित करेगा जैसे कि कल मैंने आपको समझाया था कि मध्य प्रदेश के इंदौर संभाग में आठ जिले आते हैं लेकिन इन जिलों में से सात जिले जो हैं वो भील जनजाति के हैं अर्थात आदिवासी जिले हैं इंदौर धार झाबुआ अलीराजपुर बड़वानी खंडवा खरगोन बुरहानपुर ये आठ जिले हैं इन आठ में से इंदौर को छोड़ दो केवल इंदौर को तो खंडवा बुरहानपुर खरगोन बड़वानी अलीराजपुर झाबुआ और आपका धार ये सातों जिले आदिवासी है इंदौर क्यों बच गया इंदौर क्यों बच गया बस यही तो है यही तो आपका भौगोलिक विस्तार बताएगा इंदौर इसलिए बच गया कि प्रदेश एक राज्य इस राज्य का एक मंत्रिपरिषद इस राज्य का एक राज्यपाल राष्ट्रपति के पास में राज्यपाल राष्ट्रपति ने राज्यपाल से परामर्श लिया पूछा बताओ तुम्हारे राज्य में कहा आदिवासी है बोले 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 साहब साहब है है इंदौर इंदौर भी कर दें क्या नहीं तो बड़ा परिपूर्ण इधर आदिवासी नहीं है ये एक शहरी क्षेत्र है इसके बाद के जो जिले हैं वो ग्रामीण क्षेत्र इधर आदिवासी जाता है तो वो यूँ कह रहा है आर्टिकल आदिवासी क्षेत्रों का उल्लेख आर्टिकल थ्री में मिलेगा किस मिलेगा आर्टिकल 342 में तो याद रखिएगा आदिवासी क्षेत्र 342 और आदिवासियों की परिभाषा तीन के क्लोज 25 और एससी कैटेगरी की परिभाषा अनुच्छेद तीन के क्लोज 24 में मिलेगी ये याद रखिएगा ठीक है ठीक है भैया आगे बढ़ जाए ओके अभी तो बहुत अच्छी अच्छी चीज है मजा जाएगा पर आप इतने कंजूस लोग हो होरवार कह रहे हैं सर अरे शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि भारत के कुछ हिस्सों में गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है और गांधी जी से गलती हो गई थी अरे यार अब देखो ऐसा है कि कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें हैं ये इन पर जैसे मैं बात करूंगा तो मुझे ऐसा ठहराया जाएगा कि तुम गैर आदिवासी हो गैर हरिजन हो तो आप ऐसा बोल रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है ना मास्टरों की टीचर की कभी नियत ऐसी नहीं होती है पर ठीक है मैं तो इतना मानता हूँ हरी मतलब प्रभु और प्रभु के जो जन हैं भगवान के जो व्यक्ति हैं वो हैं बाकी सबके अपने अपनी मान्यता है ठीक है ना चलो इधर आगे बढ़ जाए ठीक है भाई स्क्रीन शॉट ले लें आप लोगों ने ठीक है अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अरे दादा रुक जाओ शेखावत जी बीच में टपक जा रहे हैं पोस्टर ले, ले के हा कंप्लीट रिकॉर्डेड बेस आप लोगों को मिल जाएगा ये देखो क्या लिखा हो पहले की एक चीज को पढ़ लीजिएगा एमपीजी के का कंप्लीट सिलेबस फ्री बुक वो भी ई बुक है केवल ट्रिपल नाइन में शिक्षा इतनी सस्ती हो सकती है लेकिन गुणवत्तापूर्ण हो सकती है अगर मुझ पर आपको भरोसा दो नंबर का भी है तो आप मुझसे जरूर पढ़ेंगे मुझे पूरा विश्वास है ठीक है ना सत्याधीश शर्मा के मोबाइल एप्लीकेशन पर देर नहीं करना ठीक है आगे आगे बढ़ जाए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखिएगा संविधान का कौन सा भाग कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान उपबंधित करता है भाग चौदह भाग पंद्रह भाग सोलह भाग सत्रह आये हाय हाय मजेदार प्रश्न मजेदार प्रश्न ठीक है जल्दी जल्दी बताओ भैया जल्दी से क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कहता है संविधान का कौन सा भाग कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान उपबंधित करता है बताइएगा जल्दी से ठीक है चलो बहुत सरल था देर लगी लगा दिया कुछ बच्चों के कमेंट देर से आते हैं कुछ बच्चे जो फटाफट उत्तर देते कुछ बच्चे जो होते हैं गूगल से टीप के उत्तर दे देते हैं उनको कोई मतलब नहीं होता सारों को वो मार देते हैं ठीक है ना चलिएगा चलो प्रश्न क्या आया था संविधान का कौन सा भाग भाग आया था मेरा राजा देखो तीन है एक भाग एक अनुच्छेद एक पार्ट एक आपका आर्टिकल और एक होता अनुसूची अनुसूची एक शब्द क्या होता ठीक है ना अब आपसे पूछा क्या क्या गया किस भाग में अब आपने क्या किया? आपने किया उठाकर प्रश्न का उत्तर लगाना शुरू कर दिया तो ए बी सी डी चौदह पंद्रह सोलह सत्रह सिक्सटीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया विजय विजय के ऊपर किसका नाम है हर्ष राय ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया है उसने उसके साथ साथ उत्तर भी दे दिया है आंसर होगा आपका कौन सा होगा भाग 16 कौन सा होगा राजा भैया भाग ठीक है ना आदिवासियों के संबंध में कुछ लोगों को लग रहा होगा हो ये तो पूरा संविधान ही तो उसने क्या किया, किया? संविधान ही तो पूछा है और संविधान में केवल आदिवासियों का के अधिकार पूछ लिया है और डिटेल में चाहिएगा बिल्कुल मिलेगा मध्य प्रदेश के जनजातीय कल्याण मंत्री कौन है बताइएगा मध्य प्रदेश के जनजातीय कल्याण मंत्री कौन है अब चुकी क्या है चुनाव भी हो चुका है मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश का जो है मंत्री परिषद भी बन चुकी है तो मंत्री परिषद बनने के बाद में तो और मजेदार प्रश्न हो गया कि मध्य प्रदेश का जनजातीय कल्याण मंत्री कौन बनाया गया है मीना सिंह मांडवे फग्गन सिंह कुलस्ते उमंग सिंगार या विजय शाह बताइएगा चार नाम आप लोगों के सामने दिए हुए हैं मैं आप लोगों को बता देता हूं मीना सिंह मांडवे गोंड जनजाति से फग्गन सिंह कुलस्ते गोंड जनजाति से विजय शाह गोंड जनजाति से उमंग सिंगार की बात करता हूं तो ये आपके किस क्षेत्र से मिलेंगे उमंग सिंगार याद करो आपके गृह मंत्री रहे थे पहले आ, नहीं गृहमंत्री रहे थे बाला बच्चन ये रहे थे आपके पहले वन मंत्री ठीक है ना बाला बच्चन बड़वानी वाले भील जनजाति से उमंग सिंगार भील जनजाति क्षेत्र से लगा दिया भैया ठीक है एबीसीडी ज्यादातर लोगों ने डी उत्तर लगाया है कुछ लोग उमंग सिंगार अर्थात विकल्प नंबर सी पर भी जा रहे हैं ध्यान रखिएगा करंट से अपडेट हो चुका है विजय शाह ये हरदा क्षेत्र में विधानसभा सीट लगती है टीमरनी क्षेत्र से तो विजय शाह आते हैं और विजय शाह आप लोगों को याद रखना होगा कि विजय शाह आपके वन मंत्री है सॉरी वन मंत्री थे याद रखिएगा विजय शाह पूर्व में क्या थे पूर्व वन मंत्री थे ठीक है ना पूर्व वन मंत्री पूर्व वन मंत्री थे लेकिन अब क्या बनाए गए हैं पूर्व वन मंत्री बनाए गए थे कब कब से से तक तक याद 18 की विधानसभा विधानसभा में में अब नए नए क्या बनाए गए विजय शाह तो मध्य प्रदेश के जनजाति कल्याण मंत्री बनाए गए हैं मंत्रिमंडल भी याद रखिएगा हालांकि सब हो जाएगा धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते टेंशन न को है ना चलो वीडियो भी लाइक करते चलो भैया वीडियो भी लाइक करते चलो नहीं भैया चिंटी सब एसटी कैटेगरी के ही हैं सारे ठीक है ना विजय शाह एक ने क्या पूछा डी दे दिया विजय शाह को ने ये पूछा है विजय शाह गोंड जनजाति के एक नेता है जो पूर्व में भी विधानसभा में मध्य प्रदेश में हर्षोद खंडवा क्षेत्र जो है ठीक है ना उधर से आपके हरदा वाले क्षेत्र से विधायक आते हैं अगला प्रश्न देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है संविधान के किस अनुच्छेद को आप इसको बहुत आराम से पढ़ना यहां जितने भी लोग बैठे हैं उसमें से जिनको पीएससी का बड़ा इंटरेस्ट है और जो चाहते हैं कि हमारा पीएससी ना रुके वो ऐसे प्रश्नों का सामना करने के लिए तैयार रहे संविधान के किस अनुच्छेद को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए भारतीय संसद द्वारा इंडियन पार्लियामेंट द्वारा विशेष विधि यहां पर विशेष रूप से विशेष विधि में मैंने डबल इंडेड कॉमा लगवाया है विशेष विधि विशेष विधि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया गया है सोच समझ के उत्तर देना क्या पूछा है मैंने ठीक है ना विशेष विधि द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया गया है ठीक है बताओ जल्दी अच्छा प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद को व्यवहारिक वो थोड़ा सा व्यवहारिक लिखा वो व्यवहारिक होना चाहिए था ठीक है ना संधि उसमें गलत हो जाएगी वरना व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए भारतीय संसद द्वारा विशेष विधि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया गया है मुझे लगता है कि इसका अगर अच्छा सा उत्तर कोई दे दे तो मजा ही आ जाएगा मजा ही आ जाएगा भाई साहब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एससी और एस दोनों है भैया तुम्हारी क्या मदद करूं एन एं, डी ढोलकर साहब कह रहे हैं कि वर्ग दो में चालीस पचास परसेंट कब तक हो जाएगा प्लीज हेल्प मी इसमें मैं क्या मदद करूं भाई वो कब तक हो जाएगा ये तो नहीं बता सकता मैं ठीक है ना चलिएगा मुझे समझ में नहीं आया कि आर्टिकल ट्वेंटी नाइन ए को ज्यादातर क्यों लगाया गया है क्यों लगाया गया है विशेष विधि क्या मैंने आप लोगों को आपकी संस्कृति को बचाने और उसका संरक्षण करने की बात कही नहीं इसका राइट आंसर याद रखिएगा निकल कर आएगा आर्टिकल नंबर सेवनटीन अस्पृश्यता का अंत छुआछूत का जो भेदभाव है उसकी बात की बात कर रहा है अब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो आपको समझ में आएगा देखिएगा नहीं समझोगे घर जाओगे तो ऐसा लगेगा कि एक प्रश्न आया था उसका उत्तर आर्टिकल सत्रह था और हमें ये नहीं पता आर्टिकल सत्रह क्या है ठीक है ना वरना तुम वही हो जाओगे जलेबी खाओगे घर जाकर सोचोगे यार जलेबी में रस भराया कैसे वो तो बंद थी

तो ऐसे में उससे दंडनीय अपराध दिया जाएगा दंडनीय अपराध माना जाएगा या दंडनीय है ठीक है ना एक आर्टिकल सेवनटीन जो कि मौलिक अधिकारों में आता है फंडामेंटल राइट्स में आता है उसमें आपको केवल एकमात्र आर्टिकल है आर्टिकल ट्वेल्व टू थर्टी फाइव पूरे फंडामेंटल राइट्स में एकमात्र अधिकार ऐसा है जिसमें दंड जैसा शब्द लिखा हुआ है सजा जैसा शब्द लिखा हुआ है अब सुनना दंडनीय अपराध है तो आर्टिकल नंबर थर्टी फाइव आता है और थर्टी फाइव क्या कहता है ध्यान से सुनिएगा आर्टिकल थर्टी फाइव में क्या लिखा हुआ है आर्टिकल थर्टी फाइव कहता है कि संसद संसद किसी भी फंडामेंटल राइट्स पर किसी भी मौलिक अधिकार पर कानून बना सकती है कानून बना सकती है अब सत्रह नंबर के अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है कि छुआछूत का अंत कोई भी किसी व्यक्ति से छुआछूत नहीं करेगा उससे घिन नहीं खाएगा ऐसा अगर आर्टिकल नंबर 17 में लिखा है तो वो ये कह रहा है किस अनुच्छेद को व्यवहारिक रूप देने के लिए मतलब कि व्यवहारिक रूप क्या होता है कि 17 में लिखा है कि छुआछूत नहीं करना है अब छुआछूत वाकई में नहीं हो इसके लिए आर्टिकल 35 ने कहा कि जाओ तुम कानून बनाओ मैंने कह दिया तुम्हें दंड दूंगा तो क्या मेरे पास पावर है ए भाई साहब तुम सड़क पर सिगरेट पियोगे तो मैं तुम्हें सजा दे दूंगा मेरे पास कौन सा अधिकार है तुम्हें सजा देने का तुम सड़क पर सिगरेट पियोगे तुम सड़क पर कचरा फेंकोगे मैं दंड दे दूंगा मैं रजत सिंह शेखावत दंड दे दूंगा मैं कैसे दे दूंगा भाई तुम्हें सजा ऐसे ही आर्टिकल सेवनटीन में लिखा कि छुआछूत के लिए आपको दंड का प्रावधान है दंड कब मिलेगा जब वो कानून में होगा हाँ बात तो सही है साहब कानून तो बनाना पड़ेगा तो आर्टिकल थर्टी फाइव कहता है कि जाओ के के ना याद रखिएगा वो कानून जो है नाइनटीन में लाया गया 1989 में कानून लाया गया तो वो यही कहना चाह रहा है ध्यान से समझो शब्द की गरिमा को समझो संविधान के किस अनुच्छेद तो संविधान के अनुच्छेद को व्यवहारिक रूप देने के लिए कि छुआछूत की तो दंड मिलेगा उसको प्रदान करने के लिए भारतीय संसद ने ये भारतीय संसद ने ये भारतीय संसद को भारतीय संसद को भारतीय संसद को ये अधिकार है कि वह उस पर कानून बना दे तो उसने कानून बना दिया कि विशेष विधि करके एसटीएससी के अत्याचार निवारण के लिए अधिनियम बनाया गया आर्टिकल नंबर कौन सा होगा आर्टिकल नंबर होगा सेवनटीन अनुच्छेद नंबर सत्रह अनुच्छेद नंबर कौन सा होगा सत्रह तो आपको थोड़ा सा शब्द समझते अब आपको ऐसा नहीं लग रहा है यह प्रश्न तो छुटकू हो गया इस प्रश्न में कोई दम ही नहीं रहा समझ में आ गया ठीक है चलिएगा इसको स्क्रीन शॉट लीजिए इसके बारे में भी और आगे चर्चा होगी जब भी हम आगे पढ़ेंगे ठीक है चलो नेक्स्ट पर आए राजा भैया अगला प्रश्न देखिएगा प्रश्न नंबर दस क्वेश्चन नंबर टेन प्रश्न नंबर दस क्या कहता है उससे पहले आप लोग देखिएगा एम मिशन 2024 के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा एम मिशन 2024 के लिए नए सिलेबस के कोडिंग ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों बैचेस है लेकिन स्पेशल बात यह मैं चार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कल आपको इसका ऑफर है और ये बेनिफिट लो एक एक पैसे का फायदा उठाओ और सत्यादेव शर्मा संस्थान आपके लिए हमेशा बहुत बहुत मदद करता है और हम करेंगे क्वालिटी के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमारे साथ बेशक आप जुड़िएगा ठीक है ना चलिएगा भैया पूछ रहा सर ओबीसी के लिए क्या है तुम कुछ ना पूछो कहीं कर दिया ना सर जनरल के लिए क्या है तो रोना आ जाएगा ठीक है ना मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा भाई तुम लड़ लोगे आपस में जो पढ़ाने को कहा है वो पढ़ लो केवल चलो संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषा लिपि तथा संस्कृति संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषा लिपि तथा संस्कृति सचिन भाई कह रहे हैं महाराज कोट भी दाए दो चार रुपया कम हो जाइए है हाँ दे दो तुम्हें कोट दे दो महाराज शेखावत लिख दईयो बाबा शेखावत हो जाइये दो चार रुपये कमा लो तुम जय क्लास ना बोई पांच रुपया का पाउच खा के खावन खाके खाओके हम्म पढ़ाओ देख हम बताओ यार तुम पांच रुपया हमसे कम करवाओगे ना पंद्रह रुपया को पाउच खाओगे देख रहा हो रपेटा तुम संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषा लिपि तथा उनके कल्चर संस्कृति को सहजने मतलब कि उससे संरक्षित करने का अधिकार देता है 29 40 46 35 अभी मैंने आपसे कहा कि आर्टिकल 35 कहता है कि किसी भी फंडामेंटल राइट्स पर आप कानून बना दो हमने पढ़ा आर्टिकल 46 से ये कहता है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अर्थात जो दुर्बल पक्ष है महिलाओं उनके आर्थिक पक्ष और उनके शिक्षा पक्ष का ध्यान रखना होगा नीति निर्देशक तत्व तो में अनुच्छेद 40 कहता है कि ग्राम पंचायतों की बात की जाएगी अब बात कर रहा है कि कौन सा उनकी संस्कृति की बात करता है आर्टिकल नंबर 29 प्लस आर्टिकल नंबर 30 जो होता है वो अल्पसंख्यकों को या सभी व्यक्तियों को अब सभी में कोई भी हो उनको अपनी अपनी संस्कृति को बचाने का अधिकार है मतलब कोई हिंदू है तो उसे अपने लिए चंदा मांगने का अधिकार है कोई मुस्लिम है उसे अपनी मस्जिद बनाने का अधिकार है कोई आदिवासी है उसे स्वतंत्र रूप से अपने धर्म को मानने का अधिकार है वो नास्तिक रह सकता है वो आस्तिक रह सकता है वो अपने पूर्वजों का मकान बनाए वो पूर्वजों का महल बनाए वो पूर्वजों को पूजे वो अपनी संस्कृति को बचाए इनका अधिकार है अगर ये चीजें किसी भी तरह से हिंसा के अंतर्गत नहीं आती है आपने देखा होगा कि यदि जैसे कि कई गांवों में देवी देवताओं को पशु बली बकरे की बलि देने की प्रथा है इन पर समय समय पर बहुत सारे अः हस्तक्षेप होते रहे उंगलियां उठती रही है लेकिन भाई सब संस्कृति में शामिल है तो वो कह रहा है कि भाषा लिपि भाई गोंड कहे मैं गोंडी भाषा बोलूंगा गर्भ से बोलूंगा बोलो कौन रोक रहा है भाई मैं ये लिखूंगा लिखो कौन रोक रहा है भाई मेरी संस्कृति है मैं बड़ा देव को पूछता हूँ को पूछता हूं पूजो और बोले सर वो पूछने नहीं दे रहे तो वही तो हो रहा है वही तो आपके अधिकारों का हनन हो रहा है पूजो कोई कहते हैं मैं जीवन भर ऐसे ही घूमना चाहता हूं नहीं करना मेरे को शादी नहीं करने का <laughs> मेरे को समाज में शादी नहीं करने का मत करो पर वो समाज अब तुम ऐसा नहीं मैं बोल रहे हूं नहीं तो तुम कल को जाके बोलो देखो ये क्लिप देखो हमारे मास्टर ने बोला है कि तुमको तुम्हारी समाज में शादी नहीं करनी है मत करो तुम देखो ये कौन होते हो तुम बोलने कि चार छह आगे कंधे पर लट रख के मुंछ को ऊपर करके कह रहा साहब शिकावत तुम ही हो कहूं जी साहब कई सिखाइया तुम हमारा छर छोरी के ब्याह करो दूसरी जात में लठ देखियो लठ ऐसा फेरूंगा ना मासा भागत फिर मैं ऐसी नहीं कह रहा हूं मेरी बातों का गलत अर्थ लेके अपने काम मत निकाल लेना तुम समझ में आया कि नहीं आया अब मेरा टाइम हो गया जाने का ठीक है ना इन चीजों को कल और आगे बढ़ा के पढ़ेंगे तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद अच्छे से पढ़ते रहिएगा भाई साहब ये स्क्रीन ले लिया ये आपको मिलेगा सत्याधि के टेलीग्राम चैनल पर सत्याधि के मोबाइल एप्लीकेशन पर ठीक है ना थैंक यू सो मच धन्यवाद बोलना ना भूले हम ठीक है ना चलेगा कल फिर आप लोगों से मिलना होगा पीएससी के चैनल वाले विद्यार्थी भी ऑफिशियल चैनल वाले विद्यार्थी भी यूट्यूब पर जो आनंद ले रहे हैं वो सभी लोग ध्यान रखें कंप्लीट बेच आप लोगों को सत्याधिक मोबाइल एप्लीकेशन पर है बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को नमस्कार जय जय भारत शुभरात्रि